भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं सले के उन्हें सामान्य परिवार से आए और जो सत्ता के भी और संगठन के भी शीर्ष पदों पर रहे, उच्च सदन के राज्यसभा के सदस्य थे, प्रदेश के अध्यक्ष बने। मैं उनको मजदूर संघ के दिनों से जानता था जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, और आज की राजनीति में निश्चित रूप से वो नए लोगों के लिए, जो नई खेप आ रही है उनके लिए, उनका जीवन, उनकी सहजता, सरलता और उनकी कठोरता ये प्रेरणा का रूप हो सकती है। और हम लोगों के बीच में जो दिवंगत होते हैं, हमारी जैसी श्रद्धा होती है, हम उनको मान सम्मान के साथ विदा भी करते हैं, और भविष्य में कहीं ना कहीं उन सब व्यक्तियों की स्मृतियां भी हमारे साथ होती हैं और उसको कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँचाते हैं। इसलिए उनके जीवन से जुड़े हुए कई प्रसंग, क्योंकि बहुत लंबा जीवन था, मजदूर संघ, किसान मोर्चा, फिर जनप्रतिनिधि के तौर पर, पार्टी के तौर पे, तो उनका एक संकलन भी हम लोग प्रकाशित करेंगे। और इसलिए आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, हमारे बीच में बहुत लंबे अरसे तक उनको रहना था, काम करना था, लेकिन ईश्वर की और प्रकृति की जैसी मर्जी है उसको स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से उस संकलन को पढ़ के और आगे बढ़ना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज नारे लगे हैं, कुछ ही आधे घंटे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत भगोड़ा का, महेश जोशी ने भी वहां पर अभी ये बयान दिया है कुछ देर पहले कि वो मुर्दाबाद भी और भगोड़े भी है, क्योंकि जनता के बीच में भगोड़े की छवि उनकी हो चुकी है। जहां तक उनको नोटिस मिला है, कानूनी रूप से उनको जाना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से नारे लगे उसको क्या, किस तरह देखते हैं आप? इस प्रदेश में एक सद्भाव की राजनीति थी, वैचारिक संघर्ष होता था, विचारों से वाकयुद्ध भी लड़ा जाता था सदन में और सड़कों पर भी लड़ते थे। पहली बार इस प्रदेश में सब लोग देख रहे हैं कि विद्वेष की और प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और उन्हीं के पीछे चलने वाले उनके अनुयायियों ने शुरू की है। और केवल यही नहीं, ये पूरा देश देखता है कि किस तरीके से भारत